जो पांच पांच साल मेहनत करते हैं, 20-20, 30-30 साल मेहनत करते हैं, अपने बच्चों का पेट काट करके राजनीति करते हैं, कर्जे में आ जाते हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। मैं साधारण परिवार का व्यक्ति हूं, इसलिए मैं उनके दर्द को समझता हूं और इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी। ईडी ने अगर 10 वर्षों में कार्रवाई ढंग से करी होती तो कई हजार लोगों को जेल में जाना चाहिए था। जो लीडरशिप को ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, पांच पांच साल ब्लैकमेल करते हैं और लीडरशिप उनके सामने सरेंडर कर जाती है, ऐसी लीडरशिप का हम क्यों साथ देंगे। स्वागत है आपका। एक छोटा सा ब्रेक के बाद शिखर सम्मेलन का ये मंच लेकर फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने, क्योंकि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ये मंच सजा है आपके लिए, क्योंकि यहां पर लगातार एक एक कर कई बड़े सियासत के चेहरे आपके सामने आ रहे हैं लेकर आपके सवालों का जवाब। और अब हमारे बीच एक और मंच की तैयारी है, क्योंकि बेहद खास मेहमान हमारे साथ यहां पर आ चुके हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और अब कांग्रेस से लेकर एक नया परिवार बीजेपी का हाथ थाम लिया है और बीजेपी ने उन्हें टिकट भी दे दिया है। युवा चेहरे हैं, हरियाणा की परख रखते हैं, हरियाणा को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, और अगर लोकसभा चुनावों की बात हो रही है तो हरियाणा का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके का वहां पर घटनाक्रम रहा वो आप जानते हैं। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं इस मंच पर। अशोक सिंह तंवर जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं मंत्र पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी और इस सेशन को संचालित करेंगी मेरी सहयोगी रोमान आईसार खान। एक बार तालियां हो जाए फिर से। एबीपी न्यूज पर मंच सजा हुआ है शिखर सम्मेलन का और पक्ष विपक्ष के नेता जो है एक एक करके इस मंच पर पहुंच रहे हैं। 24 के घमासान में उनका विजय प्लान क्या है इसको लेकर तफसील से अपना नजरिया रख रहे हैं। और अब अशोक तंवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जनवरी में इसी साल बीजेपी ज्वाइन की और देखिए मार्च आते आते बीजेपी ने हरियाणा की सिरसा सीट से उम्मीदवार भी बना दिया। बहुत मुबारक हो आपको अशोक जी, जोरदार तालियों के साथ अशोक जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी मुबारक हो। नहीं, मुझे ये बताइए, वैसे बातचीत आगे विस्तार से करेंगे मुद्दों पर, लेकिन ये सियासी गलतियों का कोटा अशोक तंवर का पूरा हो गया? मतलब एक सियासी गलती कांग्रेस, दूसरी सियासी गलती आम आदमी पार्टी, अब ये तीसरी बीजेपी, ये सियासी भूल सुधार है? देखिए, मैं साधारण परिवार से आया हूँ, कोई राजनीतिक मेरी विरासत नहीं है और DU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से शुरुआत करी। कभी ये सोचा नहीं था कि राजनीति में इस तरीके से आएंगे, हम तो सिविल सर्विस के लिए आए थे। धीरे धीरे चुनाव लड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद मौका मिलता गया, आगे बढ़ते गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ऊपर वाला आपको कुछ दिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है। ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में, अच्छे लोगों की खोज में हम भी इधर उधर भटकते रहे, तो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो ठीक था। लेकिन जब लगातार हम देखते हैं कि गलत होता है, लाखों लोगों के साथ गलत होता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां और ख़ास तौर से जिन पार्टियों में मैं रहा हूं पीछे, उनके बारे में ये कह सकता हूं कि उनकी पूरी व्यवस्था शोषण के ऊपर आधारित है। मेरे जैसा साथी उसमें अपवाद हो सकता है, आप उठा करके देख लीजिए। नहीं तो परिवारवाद की जो पैदाइश है उन्हीं को बार बार मौका मिलता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो साधारण परिवार के लोगों को नीचे से लेकर के ऊपर तक देती है। यहाँ सिर्फ नेताओं का, कुछ नेताओं का मामला होता है, वहाँ कार्यकर्ताओं की चलती है, तो बहुत फर्क है पार्टियों में। सर, और आप बीजेपी में आ गए हैं तो ठीक है आप ऐसी बात करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं तो पहले भी ऐसी बात करता था, जो मैं तो कहता हूँ वो बहुत डंके की चोट पे कहता हूँ, खुले उससे कहता हूँ। और तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी में जो है वो कार्यकर्ताओं की चलती है और दूसरी पार्टियों में आप शोषण वाला कल्चर बता रहे हैं, परिवारवाद की बात बता रहे हैं, लेकिन आप हरियाणा ही देख लीजिए ना, बीजेपी में हरियाणा में बेचारे बीजेपी कार्यकर्ता कहां चल पा रही है। मतलब 10 में से 6 उम्मीदवार हरियाणा में बीजेपी के पैराशूट वाले हैं, जिनमें से एक आप भी हैं जो अन्य पार्टी से आए और उम्मीदवार बन गए। अब इसमें राव इंद्रजीत से लेकर अरविंद शर्मा से लेकर नवीन जिंदल जी, देखिए ना अभी अभी आए फौरन उम्मीदवार, मतलब 10 लोकसभा सीटें और उसमें से बीजेपी ने जो अपने 6 उम्मीदवार बनाए 10 में से, वो बीजेपी के नहीं है, दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और साथ साथ उन काडर का भी जिन्होंने फीडबैक अपना दिया, और फीडबैक के आधार पर साथ साथ जनता भी, भारतीय जनता पार्टी कोई
एक व्यक्ति के उस पर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी में सर्वे होते हैं, संगठन से पूछा जाता है, कांग्रेस में जिस तरीके की कल्चर है वो ये मेरा ये तेरा ये इसकी टिकट, मैं तो कई बार बांटने वालों में भी रहा हूँ, तो बहुत फर्क है। और इसलिए अगर जनता ये चाहती है कि जो कांग्रेस के लोग रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मन से आने वाले समय में लड़ें और मोदी जी के विजन के साथ जो 2047 के विकसित भारत का संकल्प है, जिस तरीके से उन्होंने 10 वर्षों में काम किया है, उसके साथ जुड़ करके हम 140 करोड़ लोगों की और मजबूती से सेवा करें, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें हर्ज है। दो तरह की राजनीति है, एक संगठन की राजनीति है, एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो जनता चाहती है, मैं समझता हूँ कि वो पार्टियाँ करती भी हैं। और कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको अच्छा व्यक्ति मिले और वो उसको ना ले? आज कांग्रेस में तो कोई जाना ही नहीं चाहता है। तो कांग्रेस मुक्त जो भारत का सपना है वो कांग्रेस ही मिलकर के पूरा कर रहे हैं। और वो आने वाले समय में मुझे लगता है कि खुद ममता जी ने पीछे कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की 400 पार की लड़ाई है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की जो लड़ाई है वो ये है कि भाई 40 तक कैसे पहुंचे, ठीक है 40 और 400। तो 2024 का ये चुनाव ऑलमोस्ट डन डील है। इस शिखर सम्मेलन में मैं यही सबसे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और जनता की जो भावना है, जिस विश्वास के साथ उन्होंने काम किया है, उसको और शिखर पर पहुंचाने का काम करें। मुझे ये बताइए आप, मतलब जो कांग्रेस के लिए आप कह रहे हैं, कांग्रेस इस हाल में कैसे पहुंची? क्योंकि शायद आप, क्योंकि भीतर से निकले हुए कांग्रेस में जेएनयू एनएसयूआई, उसके बाद कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपने निभाई, आप सांसद बने, आप एक मतलब बिल्कुल यंग टर्क हरियाणा में, इस रूप में आपको राहुल गांधी जी की तरफ से कहा जाता था कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है नए चेहरों में, वो जो युवा टीम थी राहुल गांधी की, फिर अचानक से क्या हुआ कि कांग्रेस आज इस हाल में पहुंच गई है कि आप ये कह रहे हैं यहां पर बैठकर कि कांग्रेस मुक्त भारत ये कांग्रेस बना रही है? देखिए, जो लोग, वैसे तो मैं ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब हम मोदी जी के साथ देश बनाने को निकले हैं और ये मानते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हर भारतवासी को बड़ा मैंडेट देना चाहिए ताकि बड़े काम हो सके, किसान मजदूर नौजवान हमारा गरीब आदमी हर वर्ग खुशहाल हो सके, हमारा देश नई ऊंचाइयों पर जाए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाखों करोड़ के जो आए हैं उसमें और स्पीडली हम काम करें। लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के अंदर आज सच्चे ईमानदार वफादार लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। उनको वो चाहिए जिन्होंने बड़े बड़े हजारों लाखों करोड़ के घोटाले किए हैं, फिर वो पैसे के दम पे ब्लैकमेल करेंगे। अब हमें तो पाठ पढ़ा दिया, कुछ जेएनयू ने पढ़ा दिया, क्योंकि 1500 हमारे तो 150 रुपए में हम पढ़े, किसान मजदूर फौजी परिवार से थे, तो बचपन से लेसन ये मिला कि भाई ईमानदारी के रास्ते पर चलो। लेकिन बाद में आकर के देखा कि ये ईमानदारी का जो स्वांग रचाते हैं, ढोंग रचाते हैं, असलियत में तो कुछ और ही मामला है। और वही कांग्रेस के अंदर है, वही आम आदमी पार्टी के अंदर है, वही दूसरी पार्टियों के अंदर है। तो ये कांग्रेस को करप्ट कांग्रेस नेतृत्व ने किया है या फिर कांग्रेस के कुछ क्षत्रप, हरियाणा की बात कर लीजिए तो हुड्डा साहब का बड़ा नाम है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मतलब इस तरीके से अब अलग अलग राज्यों के अंदर, महाराष्ट्र में इसी तरीके से अशोक चव्हाण अब तो निकल गए, बीजेपी में आ गए, तो ये कांग्रेस को जो इस हाल में पहुंचाने का काम किया है वो कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी या फिर क्षेत्रों में जो कांग्रेस के क्षत्रप थे उन्होंने कांग्रेस की गत की? देखिए, अल्टीमेटली जो परिवार का हेड होता है या किसी भी कंपनी का हेड हो, जिम्मेदारी तो उसी की है अगर नीचे कुछ नहीं हो रहा। मतलब राहुल गांधी की जिम्मेदारी है? देखिए, उसमें और लोग भी हो सकते हैं, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत नहीं करना चाहता, लेकिन 5 साल 8 महीने अशोक तंवर और उसकी पूरी जो फौज है वो काम करे, मैं 5 साल 8 महीने अध्यक्ष था और वो भी उस समय था जब पूरा संघर्ष किया, पैदल चले, साइकिलों पे चले, रोज प्रदर्शन करते थे, ऊपर से लेके नीचे तक हमारे 13-13 जगह इंजरी है, कभी पुलिस ने अटैक कर दिया, कभी गुंडों ने अटैक कर दिया, कभी एक्सीडेंट हो गया। और जो लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिसका खामियाजा हमारे जैसे लोगों को भुगतना पड़ा, वो लोग जब सत्ता में होते हैं तो उनको मुख्यमंत्रीशिप चाहिए, जब संघर्ष करने का समय होता है तो संघर्ष तो नहीं करना लेकिन उनको अध्यक्ष ही चाहिए और ब्लैकमेल करके। तो मैं समझता हूं कि जो ऐसी कल्चर है, 5 साल 8 महीने हमने जब मेहनत करी और जिस तरीके से लास्ट में अनदेखी हुई, तो मैंने अपने लिए नहीं छोड़ी। मैं इस मंच से कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कोई देने में मुझे कसर नहीं छोड़ी, मेरे साथ गलत नहीं किया। अच्छा। लेकिन मेरे जो साथी हैं, मेरे जैसे लाखों लोग हैं
जो जिनकी लड़ाई मैंने लड़ी है उनके साथ गलत किया, जो पांच पांच साल मेहनत करते हैं, 20-20, 30-30 साल मेहनत करते हैं, अपने बच्चों का पेट काट करके राजनीति करते हैं, कर्जे में आ जाते हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों की कौन, मैं साधारण परिवार का व्यक्ति हूं, इसलिए मैं उनके दर्द को समझता हूं और इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी। और मैं समझता हूं कि ऐसी अगर गलती कांग्रेस करती रहेगी तो ना कांग्रेस के पास युवा नेतृत्व बचेगा और जो बूढ़े हैं उनका तो मुझे कहना क्या। आपकी पुरानी पार्टी के युवा साथी रहे सचिन पायलट जी, आज सुबह आए थे हमारे यहाँ इस मंच पर, और वो जो बात कह के गए हैं, अगर उसको थोड़ा शायराना लब्बो लुबाब या जामा पहनाकर मैं आपके सामने रखूं, तो मतलब वो ये कह गए कि साहब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता, मतलब ईडी भी है, सीबीआई भी है, आईटी भी है, दबाव भी है, तो इस वजह से वो दबाव नहीं झेल पा रहे हैं, इसीलिए पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं टिक पा रहे हैं। और ऐसे में वो कह रहे थे कि सचिन पायलट जैसे नेता भी हैं, युवा भी हैं, जुझारू भी हैं, किनारे भी किए गए पार्टी में, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं, तो क्या चूक गए अशोक तंवर? देखिए, अपनी विफलताएं जो मामला नहीं बनता है और लोग छोड़ करके चले जाते हैं, और उसको ये कह देना कि भाई ये ईडी के डर से, मैं तो उल्टा कह रहा हूं, मैं पुराना कांग्रेसी होने के नाते मैंने 20-25 साल कांग्रेस में दिए हैं, और नीचे से लेकर के जो आज का युवा नेतृत्व है वो सब हमारे सामने ही तैयार हुआ है। और मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम करती है, वो ये कह दे कि भैया ये लोग जो है ईडी के डर से चले गए, कौन सी ईडी ने तो कार्रवाई ढंग से नहीं करी है। ईडी ने अगर 10 वर्षों में कार्रवाई ढंग से करी होती तो कई हजार लोगों को जेल में जाना चाहिए था, अभी तो कार्रवाई शुरू ही नहीं हुई है। और जिनके ऊपर वो कह रहे हैं कि ये लोग उससे, वो देखिए किस तरीके से सचिन पायलट जी के साथ कौन सा बहुत बढ़िया किया है, दूसरे प्रदेशों में किस तरीके से होता है, डील ये होती है कि भाई ढाई ढाई साल करेंगे, उसके बाद जो कुर्सी पर बैठ जाता है वो कुर्सी से छोड़ता ही नहीं है, वो 15-15, 10-10, 20-20 साल हो जाता है, लीडरशिप कुछ उसका वो नहीं करती। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ भी मनोहर लाल जी हैं, उनकी जगह नायब सैनी जी को बनाया, कितना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है और पूरी मजबूती से दोनों टीम के रूप में काम कर रहे हैं, वहां ये हो जाता तो खूनी संघर्ष हो जाता। तो ये नेतृत्व की कमजोरी है बिल्कुल, जिन लोगों का दायित्व बनता है जो उस समय शीर्ष पर हैं, जिन लोगों ने डिसीजन मेकिंग, 5 साल 8 महीने मेरे से मजदूरी करवाओ, मेरे जैसे हजारों लोगों से एक एक प्रदेश में करवाओ, और लास्ट में कहो कि हम तो चोर को गद्दी पे बिठाएंगे तो हम किस लिए भाई उनको टॉलरेट करेंगे, ऐसे बदमाश लोगों को, ऐसे बेईमान लोगों को जो देश को दोबारा लूटने के लिए बैठना चाहते हैं उस कुर्सी के ऊपर। अशोक तंवर उस हर व्यक्ति का साथ देगा जो देश के बारे में सोचेगा, ईमानदारी के बारे में सोचेगा। जो लीडरशिप को ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, 5-5 साल ब्लैकमेल करते हैं और लीडरशिप उनके सामने सरेंडर कर जाती है, ऐसी लीडरशिप का हम क्यों साथ देंगे? तंवर साहब, आप तो बेबाकी से बात रखने के लिए जाने जाते हैं, मतलब ये चोर की बात जो बार बार आप कह रहे हैं, ये किसको, हुड्डा साहब के लिए कह रहे हैं? एक चोर नहीं है, हाँ जी, अलीबाबा और 40 चोर हैं, 40 भी बल्कि 400 हो जाएंगे, हमारे यहाँ तो 400 पार की लड़ाई, उनके यहाँ 400 चोरों की लड़ाई है। कि अब भी लूटने के लिए जिन प्रदेशों में सरकार बन गई है, 3-4 प्रदेश अभी मुश्किल से बाकी है, उसी में सारे लोग डेरा डाल लेते हैं कि भाई अब इसको कैसे लूटो। पहले छत्तीसगढ़ को लूटा तो वो खत्म, मध्य प्रदेश को लूटा वो खत्म, राजस्थान को लूटा वो खत्म, अब जो दो तीन जगह बची है, अब देख लेना थोड़े दिन में क्या होगा। वैसे दिल्ली, मतलब बीच में आप जिस पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी, इसके जो नेता आपके रहे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में भी मामला लग रहा है सरकार का खत्म ही होने वाला है, यहाँ मुख्यमंत्री दिल्ली के वो भी सलाखों के पीछे हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी भी वही कह रही है जो पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये तो विपक्ष मुक्त भारत करना चाहते हैं, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है, आपको क्या लग रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं कि केंद्रीय एजेंसियां ढंग से काम ही नहीं कर रही है, अगर वो काम करती तो 10 वर्षों में एक दो इक्के दुक्के उदाहरण नहीं दिखते। चाइना के अंदर बहुत भ्रष्टाचार था, आज से 15-20 साल पहले 3.5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी थे, जिसमें बिजनेसमैन भी थे, राजनीतिक लोग भी थे। हमारे यहां 3.5 लोग गिनवा दीजिए, कौन से बड़े बड़े लोग हैं? बड़े बड़े मगरमच्छ अभी जेल में जाने बाकी हैं, और मैं समझता हूं कि समय आएगा कानूनी प्रक्रिया, साथ साथ 8-8 ईडी के सम्मन आ जाते हैं। लोग कहते हैं हम आम आदमी है, किस बात के आम आदमी, आम आदमी तो कानून का पालन करने वाला होता है, आप वो करते नहीं, जब आपके घर में आ जाते हैं फिर आप चिल्लाते हो। और कट्टर ईमानदार, हमें तो बहुत पहले से पता था अरविंद केजरीवाल जी के बिल्कुल में। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे को बहुत लोग, जिन लोगों ने भी उनके साथ काम किया, जब मैं उनसे पूछता था कि भाई कैसे आदमी है, क्योंकि हम भी अज्ञातवास में चल रहे थे,
मेरे को लोग कहते थे ईमानदार के साथ चलो जी, क्योंकि हम तो ढूंढ ही ईमानदार को रहे थे। तो ढूंढते 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 बहुत लोगों से पूछा कि भैया बताओ, बोले भैया फंस मत जाना, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ऐसे बेईमान लोग हैं। फिर भी फंस गया, फिर भी फंस गए। डिस्टेंट ग्रास इज ग्रीनर, मेरे मैं नहीं फंसा, मेरे को तो पता था कि ऐसे हैं। लेकिन कई बार जो अपना काडर होता है, अपने साथी होते हैं, उनकी भावनाओं के अनुरूप आपको काम करना पड़ता है। मैं भी चला गया, मैंने कहा चल भाई जब ज्ञान की उसमें भटक रहे हैं तो एक और देख लो। और जब देखा तो पता चला कि यहां से भी बेईमान, यहां से भी बेईमान और यहां से भी बेईमान। नहीं तो कुछ हुआ क्या आपके साथ, कोई किस्सा आप बताना चाहेंगे यहाँ पर? देख किस्से तो बहुत हैं, अब किस्सों को कहानियों में अगर चले जाएंगे तो देश के मुद्दे छूट जाएंगे, लोगों के मुद्दे छूट जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे अपने आप विपक्ष को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं ना, तो ये बड़े देश सेवा आप करेंगे यहाँ पर, बताइए। मैं तो कह रहा हूँ भाई, जितने भी पूरा देश देख रहा है आज शिखर सम्मेलन में, केवल और केवल आने वाला समय मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ करके आप सब चलेंगे तो ये देश तरक्की करेगा। और ये वो व्यक्ति है जिन्होंने प्रूव किया, मुख्यमंत्री रहते हुए काम करके दिखाया, पिछले 10 वर्षों में काम करके दिखाया, और आने वाले समय में जो संकल्प उनका है, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, डिजिटल क्रांति गाँव गाँव तक पहुंचे उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, जिस तरीके से उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर 2 लाख स्थापित किए, ड्रोन दीदियों की बात करी, राम मंदिर का निर्माण किया, 370 खत्म कर दिया, आप जैसी हमारी बहनों के लिए महिला आरक्षण हो सकता है अगली संसद और विधानसभा में, आप दिखे वो दिखे ये दिखे, तो इतने बड़े बड़े काम हो गए, 3 तलाक खत्म हो गया, और जो बचे खुचे मुद्दे हैं उसके लिए 400 पार हो जाएगा। वैसे एक बात बताऊं, आपकी बात पे मैं गौर कर रही थी, ये तो इस पर आऊंगी मैं अभी, मोदी जी का काम सबसे अच्छा क्या लग रहा है ना वो अभी आपसे पूछूंगी आगे, लेकिन आपको पता है एक सिमिलैरिटी, जो आप बात कह रहे हैं यहाँ पर और जो विपक्ष कहता है, वो सिमिलैरिटी है कि साहब ईडी सही से काम नहीं कर रही, आप भी यही कह रहे हैं जांच एजेंसी सही से काम नहीं कर रही। अब सवाल ये, जांच एजेंसी सही से काम करे कैसे, क्योंकि एक तरफ आप हैं जो कह रहे हैं सही से काम नहीं कर रही, जो भ्रष्टाचारी है वरना वो जेल में होते, दूसरी तरफ अब अजीत पवार को देख लीजिए आप, अशोक चौहान को देख लीजिए। अच्छा मैं तो कहती हूँ अभी आपके यहाँ हरियाणा में जो जिंदल साहब आए, कोयला घोटाले को लेकर कितनी बातें होती थी पहले, है ना, तो वाकई में क्या सही से काम नहीं कर रही है? देखिए विपक्ष जिस एंगल से कह रही है वो एंगल ये है कि भैया ये तो हमारे को विक्टिमाइज कर रहे हैं, हमारे साथ गलत है वो है, और हमारा जो कहना है, मेरा मानना है, मैं तो दोनों तरफ रहा हूं, तो मैं तो कबीर की तरह हूं, कबीरा ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, मैं तो मांगू खैर, तो हम तो जो है उसमें से हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि जो उनका प्रेशर में लेने का है, स्वतंत्र एजेंसीज हैं, आजादी से लेकर के आज तक काम कर रही है, बहुत बढ़िया से काम कर रही है, पुरानी सरकारों ने उनको बनाया है, तो इसलिए कम से कम उन संस्थाओं के ऊपर प्रेशर में लेकर के, और चोर लुटेरों को उन्होंने बहुत लूट लिया इस देश को, अब इस देश को ये मोहम्मद गौरी गजनी से भी खतरनाक लोग हैं जिन्होंने पिछले 70 वर्षों में से अधिकतर समय, अगर उनको उन्होंने जो लूटपाट करी थी उसको और 10 साल ये छोड़ दीजिए, इससे पहले की जो लूटपाट हुई है अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं समझता हूं कि कई गुना होगा, लेकिन अब भी वो लोग घूम रहे हैं स्वतंत्र। एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। तो वो तो कह रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे, सलाखों के पीछे से सरकार चलाएंगे। अब बेशर्मी तो कोई भी कर सकता है, बेशर्मी अब बेशर्मी है ये, और लोगों तो नैतिकता, आओ भाई इस्तीफा दो, दूसरा कोई बोल दे अंबेडकर जी की बात कर दे उसको पार्टी से ही निकाल दो, अंबेडकर जी और क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगाते हैं लेकिन दोनों से कोई मैच नहीं है, पुराने वीडियो देख लीजिए उन्हीं के, जब चर्चा करते थे वो लोग कि किस तरह की भाषा थी, भाई राज करना है, राज में बैठना है, आ जाओ बिठाएंगे राज में, आओ हरियाणा आओ बिठाएंगे, अभी जनता दिल्ली की बिठाएगी आप लोगों को राज में दोबारा। अच्छा तंवर जी एक बात बताओ आप मुझे, आप कांग्रेस में भी रहे, उसके बाद कांग्रेस से जब आप निकले तो आपने आम आदमी पार्टी को चुना, आपको हैरानी हुई, मतलब आप ये सोच सकते थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सियासी जमीन को कहीं ना कहीं हत्या कर अपने पैर जमाती आई, वो एक साथ आ जाएंगे, गठबंधन में आ जाएंगे, हैरानी हुई आपको देखकर? किसी शायर ने कहा धूप से तो वो बच निकला है लेकिन वो नहीं जानता कि टूटती दीवार के साए में खड़ा है। क्या बात, बहुत cool। तो इसलिए उनको पता ही नहीं, दोनों को वो सोचता है कि भाई ये टूटने वाली जो दीवार है मैं इसके साए में खड़ा हो जाऊं, वो सोचता है मैं इसके साए में, तो ये तो जो है लूटपाट का गठबंधन है, मिलकर के मोदी जी को हटाने की साजिश है, लेकिन मोदी नहीं हटता भाई, अगले 20-30 साल जब तक भारत विकसित नहीं हो जाएगा
मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हम मोदी जी की लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करते हैं कि वो इसी तरीके से जब राम मंदिर बनवा दिया दिव्य और भव्य मंदिर तो ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी क्या उनके ऊपर? दर्शन कराया क्या, राम क्या मंदिर दक्षिण में? जी दर्शन कराया आप राम मंदिर में? राम मंदिर के तो घट घट में राम है हमारे। हाँ। इधर भी राम है इधर भी राम है। हम कोई बेईमान चोर लोग तेरे तो ना। हाँ। हम तो मन चंगा तो कटौती में गंगा रविदास जी की बात को के ऊपर चलने वाले लोग हैं। अच्छा ये बताइए आपको मोदी सरकार के पिछले 10 साल में 3 सबसे बढ़िया काम कौन से लगते हैं, 3 सबसे बढ़िया फैसले कौन से लगे? 3 सबसे बढ़िया किसानों के लिए जो मोदी जी ने फैसला लिया, सम्मान निधि ठीक है और फसल बीमा। फसल बीमा की शुरुआत 2016 में हुई। मैं उस इलाके से आता हूं सिरसा संसदीय क्षेत्र जो लगातार कई वर्षों तक गेहूं के उत्पादन में पूरे इंडिया के अंदर नंबर वन रहा। अच्छा। उस समय अवार्ड भी हमें मिले। पिछले 16 से लेकर के आज तक अगर हम देखें 2905 करोड़ रुपए की राशि ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए वो वहां पर फसली क्लेम का मिला है जो पूरे भारतवर्ष में मैं समझता हूं कि हाईएस्ट होगा जी। जो मुआवजे की राशि है वो करीबन 700-800 करोड़ रुपए है पूरी पार्लियामेंट में। आप लगा सकते हैं कि 10 वर्षों के अंदर अगर किसान को इतनी ताकत मिली है एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप मल्टीप्लाई करिए उसको 550-600 जगह है अगर जिलों में इस तरीके से लोकसभाओं में मिला है तो कितनी राशि उन्होंने आवंटित करी होगी और कितना उनको उनका सशक्तिकरण मिला होगा। जो भावांतर योजना है जो फसल में वो सारी चीजें लागू करी। एक किसानों वाला। दूसरा मैं समझता हूं कि जो जिस तरीके से महिलाओं के प्रति वो पैशनेट है कि भाई महिला सशक्तिकरण हमें करना है हर रूप में करना है, उनको कानून बना करके करना है, उनके लिए योजनाएं चला करके करना है। अभी 3 करोड़ जो ड्रोन दीदियों का मामला है, इसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और कई बार हम अपने पहले मेरे ऊपर भी कांग्रेस का चश्मा चढ़ा हुआ था और मैं उस कांग्रेस को जब मैंने वो चश्मा हटाया तो पता चला, पहले हरियाणा के अंदर ही मैं उदाहरण दे रहा हूं कि सिर्फ 800 सेल्फ हेल्प ग्रुप से 2014 से पहले आज 60,000 से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप है। पहले कितने थे? 800 सिर्फ 800 और अब 60,000 से ऊपर है। तो आप कल्पना कर सकते हैं वो कौन चलाती है? वो हमारे बहनें ही चलाती हैं, उनका एम्पावरमेंट होता है उनको आने वाले समय में। और तीसरा जो है गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं लेकर गया है। अच्छा। बाबा साहब के जिस तरीके से उन्होंने 5 स्मारक बनाए पूरे देश और दुनिया के अंदर और उसके साथ साथ बाबा साहब की जो सोच है उसको जमीन पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, गरीब के खातों में सीधा पैसा जाना शुरू हो गया, वो अपने आप को एम्पावर महसूस करने लगे। उज्ज्वला योजना, ये छोटे छोटे आपको दिखते होंगे, जो गांव में साहूकार है कोई मजबूत जमींदार है उसके तो घर में पहले भी शौचालय होता था, जो गरीब की बहन बेटियां थी बहू बेटी थी उनको बाहर जाना पड़ता था। और मोदी जी ने बड़े गौरव के साथ ये बात कही कि हमने भाई लाल किले से जब बात कही तो लोगों ने मजाक उड़ाया और जिनको जिसके पैर ना फटी बिवाई सो के जाने पीठ पर आई, तो जो विपक्ष वाले थे वो हंसे, ये क्या टॉयलेट की बात हो रही है? अरे भैया सब चीजों की बात होगी, जो हर मुद्दा हर मैं समझता हूं कि वो चीज जिससे इस देश के एक एक व्यक्ति को लाभ पहुंचे और खासतौर से महिलाओं को लाभ पहुंचे, किसान मजदूर गरीब आदमी को पहुंचे, नौजवान को पहुंचे, वो मोदी जी ने टच किया। अब तो आपने कांग्रेस का चश्मा उतार दिया है, लेकिन जिनको चश्मा उतार नहीं दिया तोड़ दिया। अच्छा। हाँ। लेकिन वो जो कांग्रेस का चश्मा लगाते हैं उनको महंगाई दिखती है, उनको बेरोजगारी दिखती है, उनको किसानों का आंदोलन दिखता है और वो ये भी कहते हैं कि साहब बाबा साहेब के असली अनुयायी हम हैं। अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो अपना अध्यक्ष ही दलित समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया। ये चुनाव खत्म होने दीजिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। मैं भी कांग्रेस की युवा दाई था एक टाइम में, मुझे भी पता है कांग्रेस के अंदर क्या क्या चलता है। कुछ बता दीजिए, कुछ खुलासा कर दीजिए, ब्रेकिंग की आवश्यकता नहीं है ना। हाँ। वो समय जो होता है वो बहुत कुछ क्लियर करता है। हाँ। कि किस तरीके से कितना किसको महत्व दिया जाता है। मतलब आप कह रहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा पार्टी में? देखिए मुझे तो व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता। लगता है नहीं लगता है? नहीं लगता कि महत्व दिया जा रहा है, कि महत्व दिया जा रहा है। अच्छा। अभी भी डिसीजन मेकिंग कहीं और से हो रही है तो फिर उसका क्या फायदा है? बहुत सी चीजें, क्योंकि मैं पुराना कांग्रेसी रहा हूं तो कुछ चीजें मैं आज भी
थोड़ा सा बोलने में संकोच इसलिए कर रहा हूँ कि इतना लंबा समय साम किया है। बिल्कुल सही बात है, तो समय आएगा, ठीक है, ऊपर वाला बुलवाएगा, जय श्री राम जी बुलवाएंगे, जनता बुलवाएगी तो वो भी बोलेंगे जब समय आएगा। बस चलते चलते एक सवाल का जवाब दे दीजिए, हरियाणा में मतलब बाकी राज्यों में तो हम देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी कुनबा बढ़ा रही है, लेकिन हरियाणा में जेजेपी अच्छा खासा तालमेल चल रहा था, बस एक सीट के चक्कर में बात खत्म हो गई, नुकसान होगा इसका? नहीं, किसी चीज का नुकसान नहीं होगा। पिछली बार देश में जो टॉप थ्री सीट्स थी लोकसभा में जीते थे, पहली नवसारी थी, उसके बाद करनाल और हमारा फरीदाबाद। इस बार मुझे लगता है कि जो टॉप 10 सीट्स होंगी उसमें से कम पांच हरियाणा में होंगी। जहां तक गठबंधन का सवाल है, वो पार्टी नेतृत्व फीडबैक लेके जनता से भी फीडबैक लेता है, अपने नेताओं से भी फीडबैक लेता है और उसके बाद फैसला करता है कि हमें गठबंधन में चलना है। वो उस समय की वो थी, मुझे नहीं लगता उसमें मैं भी दोषी हूं। मैं दोषी इसलिए हूं कि अगर हम उतनी मेहनत नहीं करते तो 75 पार हो जाती पिछली बार बीजेपी की, 75 पार हो जाती, क्योंकि जिन लोगों ने फंसवा दिया, फंसवा इसलिए दिया कि भाई हम मेहनत कर रहे थे जी, लोगों जी। को तो बहुत लोगों को यही नहीं पता चला था इलेक्शन में कि अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी है, उनके साथियों के साथ इतना गलत व्यवहार हो गया, धीरे धीरे लोगों को पता चलता है। हाँ। अब जब लोगों को पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक किया, ये तो बहुत गलत मामला हुआ। तो हमारे जैसे लोगों की वो सीटें हैं, ठीक है जी, जो कांग्रेस को 31 मिली, इस बार वो 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे कांग्रेसी, ठीक है। तो पूरी मजबूती के साथ विधानसभा भी तीसरी बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 10 की कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपने बोल दिया, मैं माफी चाहूंगा कांग्रेस की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब कोई बात नहीं सर, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक तंवर जी, एबीपी न्यूज पर हमारे। कांग्रेस की तो सपने में ही बनेगी भाई, ये सपने में ही कुर्सी के चक्कर काटेंगे, बाकी कुछ नहीं बचा इसमें, तो इसलिए आ जाओ सारे। तो मोदी के सच्चे सिपाही अशोक तंवर जी बन गए हैं, हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, और आने वाले समय में हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी अशोक तंवर जी कह रहे हैं कि लिख कर रख लीजिए, बीजेपी तीसरी बार और अपने दम पर इस बार राज्य की सत्ता में भी वापसी करेगी। शिखर सम्मेलन पर खास मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।